हेलो दोस्तों, आज जो हम आप लोग के दिखाने वाले के ऐसे स्टोरी जो आपने जान करके बहुत अजूबा हो जाएंगे। तो दोस्तों, बदलते बिहार में, बदलती रोजगार की दुनिया में लोग हर समय बाहर जाकर के जो जॉब करते थे, आज कहीं ना कहीं परेशान होकर के अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं। तो उसी चीज़ को हम आपको दिखाने के लिए हम आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। एक छोटे से शहर से विकलांग होते हुए भी अपना ने खुद के बिजनेस स्टार्टअप करें, तो वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि उसने कैसे बिजनेस स्टार्ट करके सोचे और कैसे बिजनेस स्टार्ट करे, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो को देंगे। तो मिलवाते हैं उस शख्स से जिसने अपने बहुत सारा प्रयास करने के बाद तब जाकर के ये एक पेपर प्लेट का बिजनेस स्टार्टअप किया, तो उस चीज़ की सारी हम जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इन्होंने विकलांग होते हुए बिजनेस के बारे में कैसे सोचे, बिहार में कहीं ना कहीं बहुत बेरोजगारी का जो तमाम सारी समस्या होते हैं उसके लेकर के कहीं ना कहीं हम नहीं, आप भी नहीं, आप भी जिम्मेदार हो सकते हैं इसका। तो उसी चीज़ का हम दिखाने के प्रयास करते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। रवि राज। रवि राज। रवि राज सर, आप ये बिजनेस जो आप मशीन ये बताएं कि ये मशीन हम परचेज किए, हम हमारे दर्शकों को हम ये अब लाइव डेमो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने बिजनेस कैसे सोचे। देखिए, बाहर जॉब करते थे उसमें कुछ बचत नहीं होते थे। बाहर जॉब करते थे? हाँ, दिल्ली जॉब करते थे। दिल्ली, अब विकलांग होते हुए दिल्ली जाते थे, जॉब करते थे। तो देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारी परेशानी, आपको तो जाने में ही बहुत परेशानी होती है। परेशानी होते थे, क्या करते थे, पेट के खातिर कुछ भी करना पड़ता है। पेट के खातिर कुछ भी करना पड़ता है। आगे अभी बहुत जिंदगी है। तो आप बिहार में जॉब क्यों नहीं, बिहार में आपको जॉब खोजे थे कि नहीं खोजे थे? बहुत खोजे थे, नहीं मिला आपको? नहीं मिला। पढ़ाई भी कर रखे, सरकारी फॉर्म भी भरे, लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुए, कोई सक्सेस नहीं हुए। तो देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों झेलने के बाद ये बिजनेस, आप बहुत सारा परेशानी, दिल्ली गए, दिल्ली में ही जॉब, कितना कमा रहे थे वहाँ पे? 12,000 सैलरी थे। 12,000 सैलरी? हाँ। तो 12,000 में कितना बचा लेते थे आप? 12,000 में क्या बचेंगे बताइए, 3,000 रूम रेंट हो गए, 3,000 खुराकी चले जाते हैं, और 1,000-1,500 समझ जाइए मोबाइल मेंटेनेंस हो जाते हैं, इधर उधर का खर्चा हो जाता है, उसमें क्या बचेंगे? 2-3 हज़ार में क्या करेंगे, परिवार पालेंगे या अपना देखेंगे या क्या करेंगे? देख रहे हैं दोस्तों, रवि राज ने जैसे बताया है, काफ़ी सारे एक विकलांग होते हुए माइनॉरिटी जो आप सोच सकते हैं, बिहार में रह करके भी अब इन्होंने बहुत सारा जॉब खोजा, फिर भी नहीं मिलने के कारण वो दिल्ली गए, दिल्ली में जॉब करके 12,000 जॉब करके, आप 12,000 जॉब करके ये मशीन खरीद रहे हैं या कुछ कैसे खरीद रहे हैं आप? देखिए, वहाँ के पैसे तो हमें कुछ दिखे ही नहीं, घर से सपोर्ट मिले हैं, घर के बताए हैं कि ऐसे ऐसे बिजनेस है, तो बोला बात कीजिए, तो मैंने बात YouTube के द्वारा किए हैं, कॉन्टेक्ट किए हैं, तो फिर यहाँ पे आए, देख के गए, देख के जाने के बाद फिर घर में बताए, वीडियो दिखाए, तो बोला कि चलिए ठीक है, पूंजी दे रहे हैं, हम करिए जॉब। तो हमारी तरफ से ये है चाहत कि यदि हमसे जुड़ना चाहेगा और भी आदमी को, यदि हमारा काम चलेगा तो और भी आदमी को हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं, और भी मशीन बैठाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना, हम देख 10 आदमी को रोजगार देना चाह रहे हैं, 10 आदमी को रोजगार। अब देखिए, यदि हमारा काम चलेगा तो हम सोचेंगे हमें भी आदमी की जरूरत होगा, पैकिंग के लिए होगा, माल उठाने के लिए होगा, हमें भी 10 आदमी की जरूरत होगी, तो हम चाहते हैं कि हमारी सिस्टम आगे चलता रहे, तो हम और भी आदमी को जॉब देना। तो आपने कहीं ना कहीं तो बहुत इसके बारे में सोचा होगा कि हम, जैसे आपने एक विकलांग होते हुए भी इतना सोच रहे हैं कि आपके अलावा भी 10 लोगों को रोजगार, अगर हमारे बिहार में हमारे जो दर्शक है, चाहे हमारे व्यूवर्स है, जो अगर हमारे युवा जो है साथी जो दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं, अगर उसके माइंड में ये चीज़ अगर थोड़ा होता तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में भी रोजगार होता। हमारी यही चीज़ 2.5 साल पहले किए होते हैं तो आज कुछ काबिल हो गए होते। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी कर रहे हैं, अब थोड़ा सा परेशानी होंगे, 1-2 महीने की परेशानी होंगे मार्केट जमाने में, और ये तो अपने ऊपर डिफरेंस करता है कि कैसे मार्केट बनाना है, कैसे बिजनेस करना। सही बात, सही, समझे ना। तो देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी सारी आपको सीखने को मिलेगा कि एक विकलांग होते हुए भी बिहार में 10 लोगों को रोजगार की देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि आपने वहाँ दिल्ली चाहे जहाँ भी जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको जाने में बहुत सारी परेशानी हो, परेशानी होती थी। दिल्ली से कंपनी उठ के हरियाणा चले गए, हरियाणा में जहाँ पे हमें कोई चाहता पता भी नहीं होता, तो उस जगह पे जाना पड़ता था, समझ जाइए कि 5,000 हमारा जाने आने में खर्चा है, जाने आने में खर्च खर्चा है, और 12,000 सैलरी कमाएंगे बताइए, 1 महीने में तो हमें कोई प्रॉफिट ही नहीं दिखते थे, समझे ना। तो देख रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको भी अगर चेंज करते हैं दोस्तों, बिहार को अगर बदलना चाहते हैं, ये नहीं कि आपको गवर्नमेंट कितना आपको सपोर्ट करेगी, कहीं ना कहीं बिहार में भी रोजगार लगेगा तब जाकर के हाँ, रोजगारी दूर होगा क्या? हाँ, रोजगारी तो जब देखिए आप, हमने क्या सोचे कि इसे लगाएंगे, शायद हम लगा रहे हैं एक, और मार्केटिंग हमारी अच्छी जम गए, तो हम 2-4 और मशीन लगा के 2-4 और लोग हेल्प कर सकते हैं, समझे। यही सोच अगर हमारे बिहार वासियों को रहते तो कितना अच्छा बात है, बहुत अच्छा। तब तो हमारे बिहार वासी जो दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं वो तो ऑप्शन ही नहीं रहता, ऑप्शन नहीं रहते। और इसी में हम दूसरा भी सिस्टम करना चाह रहे हैं कि इसमें सखुआ का जो पत्ता होता है जी, तो ये हम अपना दिमाग से लगाएंगे कि इसमें कैसे करना है, क्योंकि इसकी प्रचलन है, और जो आदिवासी लोग हैं वो पत्ते तोड़ते हैं, उसको भी रोजगार मिले, उसको भी रोजगार। हाँ, तो हम 3-4 जगह ऐसे एडवांस फेंक चुके हैं कि हमें वो पत्ता
बना रहा है। ये दिमाग आपको कहाँ से आता है इतना, ये मेंटलिटी हम लोग जो सोच नहीं पाते हैं, आप एक आदिवासी तक भी पहुंच गए कि अगर आदिवासी जो पत्ते तोड़ते हैं उसको भी उससे प्रॉफिट हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात, ये आप कैसे सोचते हैं? देखिए हमने देखा कि मार्केटिंग में कौन सी ज़्यादा प्रचलन है, तो हमने सब आइटम को रखना चाह रहे हैं कि जिसकी डिमांड ज़्यादा हो मैं उसको सप्लाई करेंगे। सही सही बात, समझे ना, तो इसलिए हमने तीन चार बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन आप पेपर प्लेट के ही बिजनेस, ये कम पूंजी में हो रहे हैं, कम पूंजी में कम बजट में, ये हमें बिहार में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हमारे व्यूवर चाहे दर्शक बहुत सारा होता है कि हमारे पास पैसा नहीं है जिसके कारण हम बिजनेस नहीं कर पाते हैं। तो एक छोटा सा स्कोप अगर दोस्तों, अगर आप ये मशीन कितना में खरीदे आप? ये 45,000 पड़े हैं मशीन का, 45,000 लगा करके आप दोस्तों, अब यहाँ सर ने जैसे आप बताए हैं, रविराज जी ने 45,000 लगा करके खुद का बिजनेस स्टार्टअप करके अपना लोग को रोजगार भी दीजिएगा। हाँ देंगे, जरूर देंगे, और इसके लिए हमने बोले ना कि आदि हमें आगे से डिमांड सही मिल गए तो हमें तीन चार लेडीज़ की भी ज़रूरत है, बिल्कुल पैकिंग के लिए चाहिए, हमें दो तीन आदमी की चाहिए और फील्ड के लिए भी हमें आदमी चाहिए, समझे, तो हमें आदमी की ज़रूरत पड़ेंगे तो 10 को अपने आप रोजगार मिलेंगे। अगर आपके जैसे आदमी बिहार में हो तो बिहार चेंज बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बहुत बदल जाएगा, बहुत बदल जाएगा आदमी, देखिए हिम्मत हार जाता, कोशिश नहीं करते कि हमें इस चीज़ को करना है, वो पहले हिम्मत हार जाते हैं, दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं, अरे इसको लगाएगा होगा कि नहीं होगा। हाँ हमें आते ही वक्त भी बोल रहे थे आदमी कि इसमें सक्सेस होगा नहीं होगा, अब सक्सेस करना हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कैसे सक्सेस इसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने आप पे जो विश्वास करते हैं वह दुनिया को कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हैं तो वो मुकाम हासिल, हम घर में बैठे रहेंगे तो क्या हमें आ जाएगा पेट में, कुछ नहीं आएगा, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, समझे ना। तो देख रहे दोस्तों रविराज जी ने बताया है बहुत सारा इम्पोर्टेंट बात बताया है कि एक बहुत सारा परेशानी झेलते हुए भी एक 45,000 से खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करके बिहार में लोगों को रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे बिहार में जितना भी अगर युवा जो दूसरे स्टेट में जॉब करने जाते हैं वो सोचता है कि हमारे पास इतना पैसा होगा तो मैं बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अभी ऐसे हो गए ना कि दिल्ली के सिस्टम ऐसे हो गए कि जहाँ पे जॉब करते हैं 6 महीने अभी काम करते हैं तो 2 महीने की सैलरी रोक दिया जाता है, उसके बाद हम गाँव से जाएंगे तो वो फिर सैलरी वो देंगे, लेकिन फिर जब आने लगेंगे तो 2 महीने की सैलरी रुक जाएंगे, तो बताइए हमें क्या बचा, क्या कमाने गए और क्या लेके आए? यही मेंटालिटी अगर हर इंसान में होता तो आज हमारे भी बिहारियों को इतना झेलना या परेशानी जो होता है दूसरे हर राज्य में जाइए तो देखिए गाली ही सुनने मिलता है, हर राज्य में जाइएगा तो ये बिहारी वो बिहारी करता है, बिहारी का कोई कदर नहीं होता है, जबकि बिहारी इतना कंस्टेबल है कि कोई भी काम होता है उसे करने में सक्षम होता है। बिल्कुल सही, वही चीज़ वो दूसरे स्टेट में जाके कर लेते लेकिन खुद का अपना नहीं कर पाते, अपना नहीं कर पाते, दूसरे के यहाँ जो भी मर्जी करना है वो करेंगे। लेकिन आप विकलांग होते हुए भी ये आप इतना सोचने के बावजूद भी आपका हिम्मत कैसे हुआ कि हम यही बिजनेस करें? देखिए अब हमारा भी फैमिली है, हम तो सिंगल है नहीं, जब तक कहते तो चलो हमने भी 12-13 साल किए थे कि कुछ बनेंगे, लेकिन कुछ नहीं बन पाए, जैसे खाए वैसे ही जाते जाते तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं पड़ा, इसलिए दिमाग लगा दिया कि हमें कुछ भी करना है तो घर पर रहना, परिवार के साथ करना है और सब अपना ही करना है, और काम बढ़ेगा तो हमें मजदूर की जरूरत, आवश्यकता पड़ेगा हम मजदूर भी लगाएंगे। तो देख रहे दोस्तों सर ने जैसे बताए हैं रविराज जी, काफ़ी बहुत सारी जानकारी आपको इससे सोचने का और इससे बिहार को बदलने का प्रयास करेंगे, तो हमारे व्यूअर्स को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आप देखा है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं रविराज जी ने और काफ़ी सारे बिहार को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें का जिम्मेदार हम भी होंगे, अगर हम बिहार में रोजगार की बिजनेस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बिहारियों को रोजगार यहां पर मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह का बिजनेस, इसी तरह का यहाँ पर लघु उद्योग के मशीनें बनाई जाती है यहाँ पर बहुत सारी, अगर आप चाहते हैं इस तरह का बिजनेस करने के लिए तो बोर्ड लाइन पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कंपनी में आकर के विजिट करके अपना बिजनेस कौन सा बेहतर हो वो अपना जानकारी लेकर खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।